कसम है उन हवाओं की जो एक के बाद एक भेजी जाती हैं, फिर तूफानी चाल से चलती हैं और बादलों को उठाकर फैलाती हैं फिर उनको फाड़ कर अलग करती हैं। फिर दिलों में अल्लाह की याद डालती हैं। उज्र के रूप में या चेतावनी के रूप में जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो जरूर घटित होने वाली है जब सितारे मांद पड़ जाएंगे और आसमान फाड़ दिया जाएगा और पहाड़ धुनक डाले जाएंगे और रसूलों की उपस्थिति का समय आ पहुँचेगा उस दिन वो चीज घटित हो जाएगी किस दिन के लिए ये काम उठा रखा गया है फैसले के दिन के लिए और तुम्हें क्या खबर कि वो फैसले का दिन क्या है तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए क्या हमने अगलों को तबाह नहीं किया फिर उन्हीं के पीछे हम बाद वालों को चलता करेंगे अपराधियों के साथ हम यही कुछ किया करते हैं तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए क्या हमने एक तुच्छ पानी से तुम्हें पैदा नहीं किया उसे एक सुरक्षित जगह ठहराए रखा और एक निश्चित अवधि तक तो देखो हमें इसकी सामर्थ्य प्राप्त थी अतः हम बहुत अच्छी सामर्थ्य रखने वाले हैं तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए لم نجعل الارض كفاتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا ایاء وامواتا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انفراتا اور اس میں اونچے, اونچے پہاڑ اور تمہیں तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए चलो अब उसी चीज की ओर जिसे तुम झुठलाया करते थे चलो उस छाया की ओर जो तीन शाखाओं वाली है ठंडक पहुँचाने वाली और न आग की लपट से बचाने वाली वो आग महल जैसी बड़ी बड़ी चिंगारियाँ फेंकेगी जो उछलती हुई यूं महसूस होंगी मानो वे पीले ऊंट हैं। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए ये वो दिन है जिसमें वे न कुछ बोलेंगे और न उन्हें अवसर दिया जाएगा कि कोई उज्र पेश करें तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए ये फैसले का दिन है हमने तुम्हें और तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों को इकट्ठा कर दिया है अब अगर कोई चाल तुम चल सकते हो तो मेरे मुकाबले में चल देखो तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए डर वा रखने वाले लोग आज और स्रोतों में हैं। और जो फल वे चाहें उनके लिए मौजूद हैं। तो अशर खाओ और पियो मजे से अपने उन कर्मों के बदले में जो तुम करते रहे हो हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए खा लो और मजे कर लो थोड़े दिन वास्तव में तुम लोग अपराधी हो तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए इदा ला जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो नहीं झुकते तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए अब इस कुरान के बाद और कौन सी ऐसी वाणी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं?